अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो मुझसे मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं फ़ाइनल एग्ज़िट हुरूप या फिर छुट्टी जाना है या फिर फाइनल एग्ज़िट जाना है या फिर जो भी एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी आपका सवाल होता है मैं आज उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई सवाल छूट भी जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर एक भाई का सवाल है, भाई मैं जो नया आया हूँ वो और जो इस काम में आया था वो काम नहीं दिया गया, दूसरा काम दिया गया, क्या मैं कफाला ले सकता हूँ? तो ये इस तरह का कांड तो खैर हर कोई फेस कर रहा है, यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे सऊदी में अमूमन लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और था, सैलरी कुछ और था, यहाँ कुछ और दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में काम कुछ और था, यहाँ पे काम कुछ और दिया गया है। तो यहाँ बात रही कि नकल कफाले की, ठीक है, तो इस सूरत में जो है आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। बहुत सॉरी मैं कहूँगा उन लोगों के लिए जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस सूरत में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप में गट्स है, आप में लड़ने की ताकत है, फाइट करने की ताकत है, तो आप इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं मकतबा अमल में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट से अलग जो है काम करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तरह का इलीगल है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा वही काम आपको करना है, वही काम आपको दिया जाए कंपनी या कफील के थ्रू, इसके लिए एक पूरा रूल बनाया गया है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी परेशानी देख रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था, काम कुछ और कराया गया, सैलरी कुछ और था, काम आपका सैलरी कुछ और दिया गया है, तो इसके अगेंस्ट आप जो है मकतबा अमल में जाके अपना केस कर सकते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह आपका सारा हेल्प होगा, आपका जो भी परेशानी होगा उसे सॉल्व भी किया जाएगा। बात रही ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ट्रांसफ़र का जो रूल होता है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है, वो रूल अगर आपके साथ होता है, आपका काम एक्सपायर है या फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, तो फिर वहाँ पे जो है आपका इजी वे में आपका कफाला हो सकता है, फिर यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी मायने नहीं लगता। अब यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि दो साल छुट्टी नहीं दे, दो हो गया है छुट्टी नहीं दे रहा कफील, तो क्या करें? तो बहुत सारे लोग भाई यहाँ पर हैं जो कि चार चार साल पाँच पाँच साल से हैं और उनका कफील जो है उनको छुट्टी नहीं दे रहा है। तो इसके लिए जो है आप जो भी मेरे भाई इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बेसिकली मैं इंडिया का बता रहा हूं क्योंकि मुझे इंडिया का ज़्यादा पता है, बाकी रूल जो है सबके लिए सेम ही होता है। तो जो भी भाई इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, दो साल आपका कंप्लीट हो गया है, आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप छुट्टी जाने के लिए आपका जो भी टर्म कंडीशन है वो फुलफिल है, और अगर आपका कफील छुट्टी नहीं देता है, तो इसके लिए जो है आप अपने एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मकतबा अमल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने एम्बेसी में जा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको तो वो इधर उधर का बात समझा सकता है, लेकिन जब एम्बेसी कॉल करेगा तो मेरे ख्याल से उसको इधर उधर का बात नहीं समझा सकता। तो जो भी मेरे भाई लोग इस तरह का है परेशानी है, और ऑलरेडी जो है एम्बेसी भी कहती है कि अगर आपका छुट्टी के लिए एलिजिबल है, अगर आपका छुट्टी नहीं लगा रहा है, तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 चलता रहता है, आप उस पर कॉल करके अपना परेशानी अपना प्रॉब्लम को बताएं, इंशाल्लाह वहाँ पे जो है आपका प्रॉब्लम को भी हल किया जाएगा और आपका हेल्प किया जाएगा, आपका छुट्टी भी लगेगा, आप अपने आसानी से छुट्टी जाएंगे भी और आएंगे भी। और जो बात रही कि हेल्पलाइन नंबर की, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वीडियो में भी दे दूँगा, आप उस पर देख करके कॉल करके आसानी से अपना जो है छुट्टी लगवा सकते हैं एम्बेसी से भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल है कि भाई मेरा सैलरी जितना था उतना नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो भी लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनका सैलरी एग्रीमेंट पे कुछ और था, उनको दिया कुछ और जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं मकतबा अमल में। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मकतबा अमल में जो है कंप्लेन करें, वहाँ पर इंशाल्लाह आपका हेल्प किया जाएगा,
आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सैलरी से रिलेटेड उसे भी फोन जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। अब यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मैंने अपनी कंपनी को सैलरी इंक्रीज़ के लिए बात की तो उन्होंने बढ़ाने से मना कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र दे दो, तो कंपनी ट्रांसफ़र ना देकर फाइनल एग्जिट लगाने की धमकी दे रही है। इस कंडीशन में क्या रूल है, क्या करना चाहिए? तो देखिए भाई, सैलरी बढ़ाने का आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आप इसके लिए जो है कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सैलरी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। अगर आपको सैलरी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके फाइनल एग्जिट जा करके वापस दूसरे किसी अच्छे कंपनी में आ करके अपना सैलरी बढ़वा करके आ सकते हैं। पहला बात हो गया। अब दूसरा बात हो गया यहाँ पे कि आपका जो कंपनी है आपको धमकी दे रहा है फाइनल एग्जिट लगाने का। तो ऐसा देखिए, अगर आपका एकामा वैलिड होगा, अगर आपको फाइनल एग्जिट लगाता है बिना नोटिस पीरियड के, बिना आपको बताए या फिर केस वाइज जो भी होता है, तो इसके अगेंस्ट आप मकतबा अमल में केस कर सकते हैं। अगर आपका एकामा वैलिड होगा तो उस सूरत में आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल भी होगा और आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए मौका भी दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको दिया जाता है, आप फाइनल एग्जिट चले जाएं या तो फिर आप जो है ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका एकामा वैलिड होगा तो, अगर आपका एकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर किया हुआ है, तो फिर आपका वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको जो तरीका होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पर एक जो है सवाल किया गया मुझसे कि मैंने ट्रांसफ़र लिया है, 85 डेज का जो है नोटिस पीरियड है, क्या ये हुरूप लगा सकता है? तो देखिए, जब आप अगर ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस कर चुके हैं, आपका ट्रांसफ़र ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका जो पिछला एम्प्लॉयर है वो आपके ऊपर हुरूप लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ट्रांसफ़र के दौरान ना तो आपका फाइनल एग्जिट लगता है ना तो आपका हुरूप लगता है। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जिट हो सॉरी आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर आपका ना फाइनल एग्जिट कोई लगा सकता है पिछला जो आपका स्पॉन्सर होगा, ना आपके ऊपर हुरूप डाल सकता है। अब जो भी करेगा आपका नया एम्प्लॉयर करेगा, पिछले एम्प्लॉयर से आपका कोई मतलब ही नहीं होता। ना तो वो आपका ट्रांसफ़र के दौरान कुछ कर सकता है ना ट्रांसफ़र के बाद कुछ कर सकता है। लेकिन वही है, 90 डेज का नोटिस पीरियड है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका प्रोसेस चालू हो गया तब। लेकिन अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट मंगाया, अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, आपका प्रोसेस चालू नहीं हुआ, तो उससे पहले जो है वो आपको फाइनल एग्जिट भी लगा सकता है, आपके ऊपर हुरूप भी लगा सकता है, आपके ऊपर इंतकामल अमल भी लगा सकता है। मतलब आपको पहले कुछ भी कर सकता है लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि 60 दिन के अंदर में दूसरी कंपनी में जा सकते हैं? तो देखिए भाई, 60 दिन के अंदर में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर इंतकामल अमल लगा हुआ हो तो फिर आप जा सकते हैं। इसका कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको उसी के पास रहना है। अगर आपके ऊपर इंतकामल अमल लगा हुआ है, आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप फाइनल एग्जिट चले जाएँ या फिर आप जो है नकल कफाला ले लें दूसरी कंपनी में, कोई परेशानी नहीं होगा ये। लेकिन जो तरीका है कि अगर आपके ऊपर 60 दिन का टाइम होगा तो आपको जो है मैसेज आया होगा। अगर आपको मैसेज आया, इंतकामल अमल का मैसेज आ चुका है यानी डिसकनेक्ट ऑफ वर्क का मैसेज आ चुका है, तो वो मैसेज लेकर के आपको मकतबा अमल जाना है, वहाँ जाके शो करना है कि मुझे जो है इंतकामल अमल लगा है, मुझे डिसकनेक्ट ऑफ वर्क लगा है। तो फिर वहाँ पे जो है मकतबा अमल जो है आपको अलाउ करती है कि आप या तो फाइनल एग्जिट चले जाएँ या तो फिर आप ट्रांसफ़र ले लें। ये दो सूरत होता है वहाँ पे, अगर आपको मैसेज आया तो। अगर मैसेज नहीं आया है तो फिर आप क्यूआर पे भी शो करके उनको दिखा सकते हैं, या फिर अफसर पे भी आपको डिसकनेक्ट ऑफ वर्क दिखाता है तो वहाँ से भी आप शो करके उनको दिखा सकते हैं कि मुझे इंतकामल अमल लगा है, मुझे जो है फाइनल एग्जिट या फिर ट्रांसफ़र लेना है। तो फिर मकतमल वाले आपका हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो है फाइनल एग्जिट भी लग जाता है और आपका जो है जो भी ट्रांसफ़र का तरीका होता है वो भी वहाँ पे चालू कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं इसी वे में। और अगर आपको डीपली इस मामले में समझना है कि 60 दिन के अंदर में आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके ऊपर इंतकामल अमल लगा है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर जो है एक पूरा फुल तरीके से एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया है। तो आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को देख करके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें, ताकि आपको हर तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है इंतकामल अमल का या फिर हुरूप का,
60 दिन के अंदर में आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसमें मैंने एक एक पॉइंट को जो है समझाने की कोशिश की। आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को देख के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई एकामा एक्सपायर है 4 मंथ से और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 6 मंथ बाकी है, क्या मैं फाइनल एग्जिट लगा सकता हूँ एम्बेसी से? तो देखिए, एम्बेसी वाले खुद कहते हैं कि जिन भी भाइयों का या तो एकामा नहीं बना हो, या तो वीज़ा एक्सपायर हो, या तो उनके ऊपर हुरूप लगा हो, या फिर उनका एकामा एक्सपायर हो चुका हो, 4 दिन से ज़्यादा गुजर चुका हो, तो वो जो है इजी वे में अपने एम्बेसी से बात करके अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं। कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि नहीं लगेगा। अब बात रही कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद कौन लोग आ सकते हैं, किस कंडीशन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। उस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे देखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। तो बड़ी मेहरबानी उस वीडियो को देखें, उस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर करके कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने की। तो जो भी आपका डाउट होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको उसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई हमारा 4 साल से हुरूप है, सवा खास का वीज़ा था, वो कैसे हटेगा और ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? तो देखिए, जो भी यहाँ पे सवा खास का वीज़ा पे आए हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पे आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाई खास, बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वर्कर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मजदूर लेबर हो गया, हाउस ड्राइवर हो गया, क्लीनर हो गया, हाउसमेट हो गया, कुक हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये सारा जो है डोमेस्टिक वर्कर का कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी लोग इस तरह का आए हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि अगर आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है या फिर आपका एक्सपायर जो भी है, तो आपका जो ट्रांसफ़र का तरीका है वो अभी डिजिटल नहीं आया है। जब डिजिटल आएगा तब आपका इजी वे में हो सकता है, लेकिन अभी आपका डिजिटल नहीं आया है। लेकिन डिजिटल जब आएगा तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपका ट्रांसफ़र या फिर नकल कफाला नहीं होने वाला है। अब बात रही हुरूप हटाने की, देखिए हुरूप हटाने का जो टर्म कंडीशन है कि या तो आपका कफील हटा दे 20 दिन के अंदर में, या तो फिर अगर आपके ऊपर झूठा झूठा हुरूप लगा तो फिर आप मकतब अमल में जो है अपील कर सकते हैं उसके लिए कि मेरे ऊपर जो झूठा हुरूप लगा उसे हटाना। अब बात रही कि 4 साल से है, चाहे 5 साल से है, चाहे 1 साल से, जो भी लोग का ऊपर हुरूप लगा हुआ 60 दिन आपका गुजर चुका है, तो फिर आपका कोई भी, चाहे खुद आपका कफील क्यों ना चाहे, आपका हुरूप नहीं हट सकता, चाहे जितना मर्जी आप पैसे दे दें। बाज़ दफ़ा मेरे वीडियो में ये भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे एजेंट हैं जो कि मुझे कहते हैं कि आप 8,000 दो चाहे 5,000 जो भी पैसा मांगते हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपका हुरूप हटवा दूंगा। तो इस तरह के फ्रॉड से, स्कैम से बिल्कुल बचें, क्योंकि कोई भी आदमी आपका हुरूप नहीं हटवा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा हटा है, वाकई में कुछ लोग हट भी जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे जब जात में काम करते हैं वो लोग सिस्टम से हटा देते हैं, लेकिन फिर जो है कुछ दिन बाद फिर आपका हुरूप भी शो करेगा। तो इस तरह के स्कैम से बचें, आपका पैसा भी डूबेगा और आपका कोई काम भी नहीं होगा। हुरूप हटाना बहुत मुश्किल है 60 दिन के बाद, या तो 20 दिन से पहले अपने कफील से बोल के हटवा लें, या तो 60 दिन के अंदर में मकतब अमल में जो है अप्लाई करें अपना हुरूप हटवाने के लिए। वहाँ पे आपका सारा चीज़ को चेक किया जाता है कि आपके ऊपर हुरूप किस तरीके से लगाया गया, झूठा लगाया गया या सही लगाया। झूठा होगा तो फिर वहाँ पे हुरूप भी हट जाता है और आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए मौका भी दे दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपको एक्सप्लेन किया जो भी जो यहाँ का सही तरीका होता है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको हेल्प करने की, आपको रिप्लाई करके सही से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी कॉल करके या मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।